पेपर्स ले लें हम लोग? ठीक है, हाँ 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 आज ही ले लेते हैं जी। धन्यवाद। नजदीक से पायलट हुआ जी। इधर बेटा, क्या बात है, आज नजदीक से पायलट हूँ। नजदीक से आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्या बात है बेटा, है इतनी भी क्या जल्दी कि तूने यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी? वो बेटा एक्सेल। और बेटा आज जब ऑफिस से आएगा ना तो वो कालरा बिल्डर है ना, उससे अपने चिड़िया घर के पेपर्स ले आओ बेटा। मुंबई से वो लौट आए हैं और ज़्यादा दिन अपने पेपर्स उनके पास रखना ठीक नहीं है बेटा। जी बाबू। पर बात क्या है बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी कि तूने यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी और नंगे पाँव जूते हाथ में पकड़े हुए? एक मिनट लगेगा। आज से मैंने जूते पहनना बंद कर दिया। छोड़ दिया सर, छोड़ दिया बाबूजी, आज से मैंने जूते पहनना छोड़ दिया। बाबूजी आज से मैंने जूते पहनना छोड़ दिया। अरे ओ क्यों बेटा? क्योंकि मैं जमीन से जुड़े रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मैं जमीन से जुड़े रहना चाहता हूँ बाबूजी, इसलिए मैंने इन जूतों का त्याग किया है। अब से मैं हमेशा नंगे पांव ही रहूंगा। बेटा ऐसी बात है तो फिर हाथ में भी क्यों पकड़े हुए, जूते ही नहीं कहीं रख दे और क्या? नहीं बाबूजी, इन जूतों को मैं ऑफिस अर्थात अपने कार्यालय में जमा करवाऊंगा, क्योंकि ये सरकारी जूते हैं। तो बोलो ओम शांति, ओम शांति, शांति ओम। चलिए ओम। किसी बाबू जी, आप अपना ब्रीफकेस भूल गए और क्या आप अपनी यूनिफॉर्म पहनना नहीं भूल गए? नहीं कोई, मैं कुछ भी नहीं भूला, जो भी जरूरी सामान था वो मैंने ले लिया है। तो बोलो ओम शांति, ओम शांति, शांति ओम। तो बोलो ओम शांति, ओम शांति, शांति ओम। ये क्या नया सुर लगा इनके जीवन में? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अभी तक तो मैं ये समझ रहा था किसी ने इसे बुद्धू बना के अपने चक्कर में फंसा लिया है, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि धीरे धीरे ये पूरा ही पागल होता जा रहा है। हे भगवान, क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा इसका क्या होगा। अरे बेटा वाह, नजदीक से पाई लागू, नजदीक से बहुत बहुत आशीर्वाद। आज यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी है और नंगे पाँव? नंगे पाँव। अरे हाँ बेटा वाला, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा बेटा, आज ऑफिस से लौटते वक्त वो बिल्डर कालरा है ना, उसके यहाँ चला जाना बेटा। वो अपने कागज चिड़िया घर के उनके पास रह गए हैं, वो लोग मुंबई से आ गए हैं, तो आज वो कागज ले आना बेटा। ज़्यादा दिन अपने कागज उनके पास नहीं रहने चाहिए। हाँ जी बाबू जी। क्या बात है, क्यों यूनिफॉर्म भी नहीं? क्या बात है बेटा, नाक के पास कहाँ से ले रहे सर? ये बाबू जी के लाइन से सर। ओके सर, अच्छा बेटा, आज ऑफिस से लौटते वक्त कालरा बिल्डर के यहाँ चले जाना बेटा। वो मुंबई से लौट आए हैं और कह रहे थे कि अपने कागज वापस ले लें, चिड़ियाघर के कागज ज्यादा दिन वहाँ छोड़ना ठीक नहीं है बेटा, ले आना। जी बाबा। और बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है कि बिना यूनिफॉर्म पहने ही जा रहा है, हैं? और जूते भी हाथ में पकड़े हुए, नंगे पांव। बेटा एक मिनट लगेगा, जल्दी से बैठ कर जूते पहन ले कम से कम। नहीं बाबू जी, नीचे देखिए, एक्शन। नहीं बाबू जी,
आज से मैंने जूते पहन नहीं बाबूजी, आज से मैंने जूते पहनना छोड़ दिया है। क्यों बेटा? क्योंकि मैं जमीन से जुड़े रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इन जूतों का त्याग किया है। अब से मैं हमेशा नंगे पांव ही नजर आऊंगा। बेटा ऐसी बात है तो जूते हाथ में भी क्यों पकड़ रखे हैं? इन्हें कहीं रख दे। नहीं बाबूजी, इन जूतों को मैं ऑफिस अर्थात अपने कार्यालय में जमा करवाऊंगा, क्योंकि ये सरकारी जूते हैं। तो बोलो ओम शांति शांति ओम हरि ओम, क्योंकि ये सरकारी जूते हैं। तो बोलो ओम शांति शांति ओम हरि ओम। ए जी, अरे किसी और रुकिए, हाँ अपना ब्रीफकेस भूल गए। और ये क्या, आप अपनी यूनिफॉर्म पहनना भी भूल गए? नहीं कोयल, मैं कुछ भी नहीं भूला। आकर अपने चक्कर। क्या बताऊं बेटा, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि शायद किसी ने इसे भूतू बनाकर अपने चक्कर में फंसा लिया है, लेकिन नहीं, अब तो लग रहा है कि धीरे धीरे ये पूरा ही पागल होता जा रहा है। हरिओम, पता नहीं क्या हो। समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। हरिओम हरिओम। अरे बस बस, तेरी यूनिफॉर्म किधर है? और ये क्या बात हुई बेटा, इतनी भी देर नहीं हुई है कि तू जूते हाथ में लेके जा रहा है? एक मिनट बैठ जा, आराम से जूते पहन ले। आज से मैंने जूते पहनना छोड़ दिया है। हरिओम। क्यों बेटा? क्योंकि मैं जमीन से जुड़े रहना चाहता हूँ बाबूजी। इसलिए मैंने इन जूतों का त्याग किया है। आज से मैं हमेशा नंगे पांव ही नजर आऊंगा। हरिओम बेटा, तो इन्हें हाथों में भी क्यों पकड़े हुए हैं? रख दे कहीं पर। नहीं बाबूजी, इन जूतों को मैं अपनी ऑफिस अर्थात अपने कार्यालय में जमा करवाऊंगा, क्योंकि ये सरकारी जूते हैं। तो बोलो ओम शांति शांति ओम। ऊपर लो राहुल। अरे नहीं, हाँ ये बस ये राहुल, ये गेट का डर ये ओके क्या एक्शन बाबूजी, ये क्या नया सुर लगा है इनके जीवन में? बेटा मुझे तो लग रहा था कि ये बुद्धू है, ना समझ है, तो अब लग रहा है ये धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा बेटा कि इसका क्या। हरिओम हरिओम। बैकग्राउंड वगैरह सब रेडी? थोड़ा पर्दा खोल दे तो बैकलाइट मिल जाए। थोड़ा सा पीछे हो जाए। अभी भी नहीं मिल रहा। हाँ मिला मिला। अच्छा आपने सर ऐसे किया? हमें कंफ्यूज कर दिया। रेडी ऑर्डर साइलेंस। अरे टीसी बाबू रुकिए, आप अपना ब्रीफकेस भूल गए। और क्या आप अपनी यूनिफॉर्म पहनना भी भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला हूँ कोयल, जो जरूरत का सामान है वो मैंने अपने साथ ले लिया, तो ब्रीफकेस की जरूरत नहीं। तो बोलो।